पहला राउंड होता है समाप्त, इसी के साथ स्टार्ट होता है दूसरा राउंड, जिसमें जीके और कॉमन सेंस आप दोनों के बीच पूछा जाएगा। तो आप लोग रेडी है? हाँ सर जी रेडी है। तो ये क्वेश्चन जाता है लाइक लोगों के पास। क्वेश्चन है, अफ्रीका में एक बच्चा पैदा होता है तो उसका दांत का रंग कैसा होगा? काला ही होगा, क्योंकि अफ्रीका में सब काले ही होते हैं, तो काला ही पैदा होगा। गलत जवाब, एक बार और तुमको मौका देते हैं, सही जवाब बताओ। बच्चा काला होगा लेकिन उसका दांत सफेद होगा। बच्चा पैदा होता है तो दांत सफेद ही होता है, क्योंकि सबका दांत तो सफेद ही होता है, लेकिन तुमको तो पीले हैं। ओए तू बकवास मत कर सर, इसको रोक लीजिए, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ओए ओए गरीबों के बाप, चुप हो जा चुप हो जा। तो लायक लोगों ने पूछा, दांत का रंग उजला होता है, तो आपका जवाब गलत है। अब इस सवाल का जवाब देगा नालायक लोग। तो सवाल है, अफ्रीका में एक बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का दांत का रंग कैसा है? सर जब बच्चा पैदा होता है तो उनके दांत नहीं होते हैं, कभी बच्चा पैदा हुए को दांत देखे हैं आप? आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपके होते हैं 50 पॉइंट। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, गजब खेला है तुम। लायक लोग आप लोग रेडी है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? यस सर तैयार है। तो क्वेश्चन है, आपकी पहली बार आलू कहाँ पाया गया? सर पहली बार आलू दक्षिणी अमेरिका में पाया गया था। गलत। तो नालायक आप बताओ पहली बार आलू कहाँ पाया गया? सर जी जमीन के नीचे। अद्भुत अद्भुत, गजब जवाब, आपके होते हैं इसी के साथ 7 पॉइंट। बहुत अच्छे खेला है बहुत। लायक आप काफी पीछे चल रहे हैं, इसीलिए बार बार आपको चांस दिया जा रहा है। तो लायक लोग एक क्वेश्चन आपके लिए है, ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को। आप बस के ड्राइवर हो, बस में 10 लोग बैठे हैं, पहला स्टॉप हटा है तो 10 लोग चढ़ते हैं, फिर 4 लोग उतर जाते हैं, फिर थोड़ा आगे चलने के बाद फिर दूसरा स्टॉप आता है तो उस पर भी 10 लोग चढ़ते हैं, फिर 4 लोग उतर जाते हैं, तो बस ड्राइवर की उम्र कितनी होगी? सर क्या बकवास सवाल है, इससे बस ड्राइवर का उम्र कैसे पता चलेगा? यही तो क्वेश्चन है बेटा। जी जी मुझे लगता है उसका उम्र 50 साल होंगे, पता नहीं मुझे लग गया तो बता दिया। और नालायक तुमको आता है इस क्वेश्चन का आंसर? सर बस ड्राइवर की उम्र 18 साल होगी, क्योंकि मेरा उम्र 18 साल है। वो कैसे? आपने बोला था आप बस ड्राइवर हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी स्मार्ट आंसर, बहुत अच्छे शाबाश। इसी के साथ आपके होते हैं 70 पॉइंट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से लाइक आप बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी 11 रुपया में गंजा होता है, यानी कि अपने बाल को 11 रुपया में छिलवाता है, मतलब टकला होता है, तो गंजे कितने रुपए में गंजा होगा? 11 × 11 111 सर 111 रुपया होगा। कहाँ से पढ़ता है रे तुम, कौन से फॉर्मूला लगाया है? नहीं नहीं सर नहीं, 11 × 11 121 सर 121 रुपया होगा। 121 रुपया में सब गंजे हो जाएंगे। एक मौका और देते हैं तुमको, सही जवाब दो। सर 11 रुपया में सब गंजा हो जाएगा। क्यों रे, तेरे बाप का दुकान है क्या? सर जी बाप मत जाइए, आंसर गलत है तो बता दीजिए। तुम लोगों का क्वेश्चन गलत है। नालायक तुम बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? जी सर जी 0 रुपया में। वह कैसे? जी आपने बोला था 11 गंजे, वो पहले से ही गंजा है, तो फिर से गंजा कैसे होगा? राइट जवाब राइट, शाबाश। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।